गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। अपना टॉपिक जो चल रहा है वो इंटीजर्स है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, आज कल हमने पढ़ा था ऐड ऑन नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, वो तो नंबर लाइन पे हमने किए। अभी हम पढ़ेंगे इसको विदाउट नंबर लाइन, सीधे एडिशन कैसे करते हैं इंटीजर्स के। देखिए, सीधे एडिशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभी जैसे आपको नॉर्मली ये दिया गया हुआ है 15 प्लस 6। मैंने आपको बताया था जिसके आगे प्लस का साइन है वो पॉजिटिव इंटीजर और जिसके आगे माइनस का साइन है वो नेगेटिव। एक एग्जांपल ये लिया है मैंने, 15 भी प्लस का है जिस नंबर के आगे कोई भी साइन ना हो, किसी भी नंबर के आगे। देखिए सुनिए बहुत ही ध्यान से और समझना उसको, किसी भी नंबर के आगे अगर कोई भी साइन नहीं है यहाँ पे तो वो होगा पॉजिटिव। देन आफ्टर अगर साइन दिया हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव का, वो तो आपको शो हो ही जाएगा। 15 भी प्लस का है और 6 भी प्लस के हैं, दोनों ही प्लस के नंबर हैं। तो जब एक ही जैसे साइन के दोनों नंबर हैं तो उनको आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड में भी देखिए आगे चल के आपको वेरिएशन मिलेगा, लेकिन मैं सीधा सा पहला जो बता रहा हूँ वो देखिए, दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए। और जब दोनों ही प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस में आएगा, इनका प्लस का होगा। जब 15 और 6 कितने हो गए, 21 प्लस के हो गए, इसके आगे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तीन प्रकार के एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग। 8 प्लस 6, ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। फिर आपको प्लस क्या करना है, -18 ब्रैकेट के अंदर है। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 8 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे दो साइन हो गए, एक तो ब्रैकेट के भीतर है और एक ब्रैकेट के बाहर, तो हमें इसको ब्रैकेट से बाहर लाना है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इससे बाहर लाना है, ओपन में लाना है, इनको ब्रैकेट हटाना है। अब मैंने आपको कल भी बताया था और परसों भी बताया था, दो बार हमने बता दिया, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो और अंदर माइनस हो तो इनको खोलेंगे तो कौन सा साइन आएगा, देख लीजिए ये रहे साइन। जब एक जैसे साइन होते हैं बाहर और भीतर, आउटसाइड और इनसाइड, तो होता है प्लस का साइन, और जब आउटसाइड और इनसाइड होते हैं अलग अलग डिफरेंट साइन, देखे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो होगा आंसर माइनस। तो ये भी डिफरेंट साइन है, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो इसको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 18। ओके, अब प्लस वालों को अलग ऐड कर लीजिए और माइनस को अलग। माइनस का तो ये एक ही है, -18 लिखा हुआ है ना, और प्लस के कौन हैं, ये दो, 8 और 6। 8 और 6 कितने हो गए बच्चों, 8 और 6 होते हैं 14, और ये क्या है, माइनस का 18। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जब हमारे पास ओपन में ये मिल गए, ये प्लस का 14 है और ये माइनस का 18, इनको ऐड करना है। क्या बोला मैंने क्वेश्चन में, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है। लेकिन ऐड कैसे करेंगे ये बिल्कुल ध्यान में रखना आप, मैं ये बता रहा हूँ। जब भी आपको इस प्रकार से ये मिलते हैं 14 माइनस 18, तो आप ये ध्यान, आपको ये बोल रहा है कि ऐड करना है, तब इनको ऐड कैसे करोगे ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। नंबर लाइन पे आपने किया है विदाउट नंबर लाइन, आप इसका मतलब ये होता है जब अलग अलग साइन मिल रहे हैं हमें ओपन में, क्या मिल रहे हैं अलग, ये माइनस का 18 है और ये प्लस का 14 है, तो आप हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि इस सिचुएशन में आप जब अलग साइन हो तो जो बड़ा साइन है, बड़ा साइन है उसमें से छोटे साइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ सुनेंगे, बड़े साइन में से छोटे साइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा साइन किसका है, 18 का, और छोटा साइन है 14 का, माइनस का है 18 प्लस का है 14, तो बड़े साइन में से छोटे साइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आंसर क्या है, 4। किसका आया ये 4, बड़ा साइन किसका था, माइनस का, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस के 4। जो मैंने अभी ये जो आपको बोला है इसको रिपीट करके सुनेंगे सभी बच्चे ध्यान से, जब अलग अलग साइन आ जाएं तो बड़े साइन में से छोटे साइन को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर प्लस का बड़ा साइन है तो प्लस के बड़े साइन में से माइनस के छोटे साइन को कर दीजिए, और जिसका बड़ा साइन है सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आया उसके आगे उस बड़े साइन का लगाइए सिंबल। जैसे 18 था बड़ा 14 से, तो 18 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का था और ये प्लस का, इसलिए किया, अगर दोनों प्लस के होते तो ऐड कर देते, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इससे इसी से रिलेटेड है, -18 प्लस
13, और ये आपको बताया प्लस और माइनस इन दोनों को ओपन किया तो ये हो गया माइनस के 7, प्लस और माइनस जो हैं आप देखिए प्लस के कौन है, केवल 13 है, प्लस किसके आगे लगा हुआ है, केवल 13 के आगे लगा हुआ है, माइनस के कौन है 18 है, और माइनस का कौन है 7 है, ठीक है। माइनस का कौन है 7 है। अब देखिए यहाँ पे करके बता देता हूँ मैं आपको इसका सॉल्यूशन, माइनस 18 प्लस 13 प्लस माइनस 7, तो माइनस 18 प्लस 13 और इन दोनों को ओपन किया तो माइनस 7, 13 है प्लस का, माइनस का है 18 और माइनस का है 7, तो 13 तो प्लस का है और माइनस के कितने हो गए, दो है ना, माइनस के 18 और 7 कितने हो गए, ये 18 और 7 कितने होते हैं 25, माइनस के कितने हैं ये 18 और 7 25, तो देख लीजिए अब हमारे पास 13 प्लस के हैं और माइनस के 25 हैं, अलग अलग आ गए, तो बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट कर दो, बड़ा कौन है 25 है, 25 में से 13 गए तो कितने बचे, सबट्रैक्शन आपको आते हैं 12, और वो 12 किसके बचे भाई, ये किसका था बड़ा साइन, माइनस का था ना ये, तो आंसर क्या आ गया माइनस के 12, ठीक है। इनको बार बार आपको समझना है, और ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं ये मैंने दिए हैं लिख के, तो इनको आप पुट्टी करना है, केवल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ऐड करना है 12 प्लस क्या करना है इसमें माइनस 15 को ऐड करना है और प्लस 7, इसी प्रकार से ये बन गए आपके जो मैंने ऊपर बनाए थे, ऐसे ही फिर इनको आप सॉल्व कर लोगे नीचे, ऐसे स्टेप से चलते रहेंगे। ऐसे मैंने दिए 16 प्लस का साइन लगाओगे 18 प्लस 9 7 प्लस ब्रैकेट माइनस 12, इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन करने हैं, इनके सॉल्यूशन कल बताऊंगा और मैं।